दिवाली में कौन सी खबरें कर रही हैं धमाका, देखते हैं फटाफट। बीवी ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए अभिषेक ने ट्विटर पर दी उन्हें बेस्ट विशेस। अभिषेक ने इस मैसेज से बच्चन के ऐश पर नाराज होने की अफवाह को साबित किया गलत। प्रियंका चोपड़ा को द एलन शो में बेइज्जत करने को हो रहे हैं चर्चे। शो की होस्ट ने कई ऐसी बातें की जो प्रियंका के लिए अच्छी नहीं थी, साथ ही कहा कि प्रियंका का इस मुकाम तक पहुंचना एक मिरेकल से कम नहीं। करण जौहर ने खुद कहा कि उन्होंने बोटॉक्स करवाया है और बेहतर दिखने के लिए वो सब किया है जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग करते हैं। करण ने ये बातें अपने शो कॉफी विद करण के ताल्लुक में कही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रहे हैं फिल्म SCIFI है और इस पर काम करने के लिए हॉलीवुड से टेक्नीशियंस को बुलाया गया है। बॉलीवुड के सितारे फिल्म ए दिल है मुश्किल देखने के बाद सभी की खुलकर कर रहे हैं तारीफें, लेकिन किसी ने भी फवाद खान का जिक्र नहीं किया है। ऐसी और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण वीडियोज़।